अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां की लीड एक्ट्रेस के लिए कटरीना कैफ थी डायरेक्टर अली अब्बास जफर की पहली पसंद। लेकिन कैट ने आखिर क्यों इस फिल्म को करने से कर दिया इनकार? अली अब्बास जफर ने खुद किया इस पर बड़ा खुलासा। अली अब्बास जफर इन दिनों अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर ये फिल्म ईद पर सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है। हाल ही में डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कटरीना कैफ उनकी पहली पसंद थी। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कहा, जब भी वो कोई फिल्म बनाने जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा कटरीना कैफ रहती ही रहती है। बीते कुछ सालों में अली अब्बास जफर की डायरेक्टेड कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कटरीना कैफ लीड रोल में नजर आ चुकी हैं। अली ने अपने इंटरव्यू में कहा, कटरीना इज ऑलवेज ऑन माय माइंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एनी फिल्म। इफ आई डोंट कास्ट हर, शी कॉल्स एंड टेल्स मी, व्हाई आरंट यू टेकिंग मी इन योर फिल्म? शी सेड द सेम दिस टाइम अराउंड टू, व्हेनेवर आई वर्क्ड विद हर, वी हैव ऑलवेज शेयर्ड अ ग्रेट बॉन्ड एज अ डायरेक्टर एक्टर डुओ। आगे अली ने कटरीना कैफ की जमकर तारीफ भी की, आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हर एज एन एक्टर, बीट भारत, मेरे ब्रदर की दुल्हन और टाइगर जिंदा है, शी हैज डन सम रियली गुड वर्क विद मी। Every time I make a film, the first call I get is from Katrina, where she complains about me not casting her. She often asks, why am I not being offered this film? वैसे हाल ही में कटरीना कैफ ने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर पर रिएक्ट किया था, जिसके जवाब में अली ने एक्ट्रेस से कहा था कि वो सेट पर कटरीना की कमी महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौरान अली ने कटरीना को उनकी अगली फिल्म के लिए तारीख को खाली रखने की भी रिक्वेस्ट की, और अली ने रिवील किया आखिर कटरीना इस फिल्म को क्यों नहीं कर पाई। शी कुडंट डू आवर फिल्म बिकॉज़ शी वाज बिजी विद समथिंग एल्स। आई जस्ट होप दैट शी कीप्स हर डेट्स फ्री फॉर माय नेक्स्ट फिल्म। वेल, अली अब्बास जफर और कटरीना कैफ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, ऐसे में ये दोनों फिर से जरूर एक साथ काम करते दिख सकते हैं।